रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। पहलवानों ने राउट एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जो अर्जी में जल्द बयान दर्ज करने की मांग की है। पुलिस जांच को लंबा खींच रही है, पहलवानों ने का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होनी है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 18वें दिन भी जारी है। पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी है, तो अर्जी में जल्द बयान दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि पहलवानों का कहना है कि पुलिस जांच को लंबा खींच रही है और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब पहलवानों ने कोर्ट में जो है अर्जी दी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, महिला पहलवानों की तरफ से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है अर्जी दाखिल की गई है। और साफ तौर पर कहें कि जो बयान है वो अभी तक जो है नाबालिग पीड़िता और अन्य लोगों के जो है दर्ज नहीं किए गए हैं। ये जो है उस अर्जी में जो है सीधे तौर पर कहा गया है। हमने देखा था कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की तरफ से FIR दर्ज की गई थी, दो FIR दर्ज की गई थी पोस्को एक्ट के तहत, और एक FIR जो है अन्य जो है दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बयान है वो दर्ज नहीं किए गए। इसी को लेकर जो अर्जी है वो दाखिल की गई है। पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वो ठीक ढंग से काम जो है नहीं कर रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से मांगी गई है, और 12 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई अब होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, इस पर ये भी जानना चाहेंगे, इस अर्जी के दाखिल होने के बाद क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी हुआ है? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ है इस मामले पर, क्योंकि अब 12 मई को अगली सुनवाई होती हुई नजर आएगी। स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, तो स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस क्या कुछ जो है कहती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया जाएगा कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई जो है की गई है, किन किन लोगों के बयान जो है दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कल जो PCW के अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो है दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा था। उन्होंने पूछा था कि अभी तक क्यों जो है बयान जो है जो महिला रेसलर से उनके जो है दर्ज नहीं किए गए। तो ऐसे में अब चूंकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट में दिल्ली पुलिस जो है अपना जवाब दाखिल करती हुई जो है नजर आएगी। जी बिल्कुल स्पष्ट। और एक तरफ जहां इस मामले में 12 मई को सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों और पहलवानों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 21 मई तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। देखिए, आंदोलन लगातार चलता हुआ ही नजर आ रहा है। अब ये आंदोलन किस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इस आंदोलन में ऐसे जो लोग हैं वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। और हमने देखा था कि किसान आंदोलन में कितना लंबा जो है चलता हुआ नजर आया था। और अब चूंकि पहलवानों की मांग है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब मामला चूंकि कोर्ट में भी है, कानून अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है लगातार धीरे धीरे जो है देखने को जो है अपने हिसाब से मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये पहलवान कितना लंबा इस धरने को खींचते हुए नजर आते हैं, किस तरह की आगे रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि हम देखते हैं बीच बीच में कैंडल मार्च निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल किस तरीके से ये धरना आगे चलता हुआ नजर आएगा और दिशा इस धरने की किस तरीके से होती हुई नजर आएगी, ये उग्र जो है धरना ना हो जाए, ये भी पहलवानों को जो है देखना होगा। जी बिल्कुल, स्पर्श ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल जंतर मंतर पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और अगर सुरक्षा बलों की बात की जाए तो किस तरह से वहां पर जो है हालातों पर काबू किया जा रहा है? फिलहाल जंतर मंतर की बात करें तो लगातार पहलवान जो है जंतर मंतर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम जो है कड़े किए गए हैं। पिछले दिनों जो देखने को मिला था कि बैरिकेडिंग तोड़कर जो है जो किसान थे वो अंदर जो है घुस गए थे, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो पिछले दिनों भीड़ हुआ करती थी उसके मुकाबले आज भीड़ थोड़ी कम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पहलवानों ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी डाली है।